children, in today's class I shall start with question number 2 on the topic symmetry. Subheading is rotational symmetry. Question 2 is, which of the following shapes have rotational symmetry about a marked point? अब देखो ये वाला figure दिया हुआ है हमको. This is the original position of the figure and this is the center of rotation. ठीक है, we have to find the rotational symmetry about this marked point. ठीक है, and I will show this is exactly the same, but here I will show the in this figure I will show rotation. ठीक है, तो अब देखो ये ऊपर से गया फिर नीचे से आ गया, तो ये ऊपर से गया और नीचे से आ गया. दिस इज़ द फिगर, यू रिमेंबर लाइक दिस. नाउ व्हाट आई डू, आई गिव अ रोटेशन ऑफ 90 डिग्री. देखो 90 डिग्री रख के और रोटेशन दिया तो ये क्या हो गया, ये वर्टिकल हो गया और ये हॉरिजॉन्टल हो गया, तो ये सेम तो है नहीं. अब मैंने फिर से 90 डिग्री का इसको रोटेशन दिया तो वन की पोजीशन इधर आ गई. पहले वन की पोजीशन यहाँ थी, अब वन की पोजीशन इधर आ गई 180 डिग्री के रोटेशन में. लेकिन आप देखो अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखती हूँ तो दोनों ओवरलैप कर जाएंगे. क्यों? क्योंकि ये देखो ये ऊपर वाला यहाँ पे है, ये नीचे है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑन रोटेटिंग थ्रू 180 डिग्री दीज टू फिगर्स लुक एग्जैक्टली द सेम. फिर से अब मैंने इसको फिर से रोटेट किया तो फिर से ये नहीं मिलते. अब मैंने फिर इसको 90 डिग्री से रोटेट किया फोर्थ टाइम तो अब ये देखो फिर से ये मिल जाएगा. अब ये ओरिजिनल पोजिशन पर आ गए जहाँ से हम शुरू हुए थे. तो हमने क्या ऑब्जर्व किया इस शेप में कि दो बार ऐसा हुआ कि ये और ये दोनों ओवरलैप कर रहे थे. इसका मतलब क्या है कि ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ दिस फिगर इज 2. इज दिस क्लियर? राइट, नाउ दिस वाज अवर फर्स्ट पार्ट. नाउ विल टेक द सेकेंड पार्ट. मैं इसको रिमूव कर देती हूँ. Now see the second part is this. We have to find the rotational symmetry about the marked point, whether we have rotational symmetry in these figures or not. देखो ये है center of rotation. मैंने compass यहाँ रखा, मैंने इसको 90 degree से rotate किया तो क्या ये और ये figure same दिखते हैं? नहीं दिखते. अब मैंने फिर से इसको रोटेट किया 90 डिग्री से, अब देखो क्या ये दोनों फिगर सेम दिखते हैं? बिल्कुल दिखते हैं. ठीक है, अभी हमारा रोटेशन कितने का हो गया, 180 तक का हो गया, दो बार हो गया 90 और 90. अब मैंने फिर से रोटेट किया इसको 90 डिग्री से तो अब ये दोनों सेम नहीं दिखते. अब मैंने फिर से रोटेट किया इसको तो अब ये दोनों फिर से सेम दिखते हैं. तो जब मैंने इस फिगर का रोटेशन किया थ्रू 360 डिग्री, मतलब यहाँ से शुरू हुए फिर ऐसे गोल घूम के वापस आ गए, तो रोटेशन कितने का हुआ, 360 का. ठीक है, तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया, सिर्फ दो बार ऐसा हुआ कि द फिगर लुक्स एग्जैक्टली द सेम. एक तो कब, 180 डिग्री पे, और दूसरा कब, 360 डिग्री पे. ठीक है, तो दिस फिगर पोजेस रोटेशनल सिमेट्री एंड ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इन दिस इज 2. क्लियर है? राइट, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं. ये देखो दिस इज सेंटर ऑफ रोटेशन, ये जो मार्क किया हुआ है. ठीक है, अब हम इस फिगर को रोटेट करते हैं थ्रू 360 डिग्री, 90-90 करके जाते हैं. देखो अब ये और ये दोनों की पोजीशंस सेम है, अगर इसको उसके ऊपर उठा के रखा जाए तो ओवरलैप करेगा. ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं. देखो 90 डिग्री की रोटेशन दी तो ये और ये तो सेम नहीं दिखते, ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है. ठीक है, अब फिर से 90 डिग्री की हमने ये रोटेशन दी. ठीक है, अब 90 की रोटेशन दी तो ये भी ऐसा दिख रहा है और ये उल्टा भी दिख रहा है, तो फिर भी रोटेशनल सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती.
फिर हमने थर्ड रोटेशन दिया तो भी और ये नहीं मिलते क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल हो गया, वो वर्टिकल हो गया, ठीक है। फिर से हमने रोटेशन दिया, अब हमने रोटेशन दिया तो ये और ये आपस में एक जैसे दिखने लगे, मतलब इसको उठाएं तो इसके ऊपर रख सकते हैं। तो जब हमने रोटेट किया थ्रू 360 से 90 90 90 90 करके, तो ऐसा कितनी बार हुआ कि ये दोनों फिगर्स एग्जैक्टली सेम दिख रहे थे, मतलब इसको अगर उठा के रखूँ इस पर तो सेम लगेगा। तो हमने ये ऑब्जर्व किया था कि एक भी पोजीशन पर ये दो फिगर्स सेम नहीं लग रहे थे, ठीक है। तो इस फिगर में रोटेशनल सिमेट्री मोर देन वन एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है स्टार वाला। ये देखो जी, ये है स्टार, वन से वन ऊपर रखा हुआ है मैंने। अब देखो ये रहा मेरा स्टार। अब मुझे इसका एंगल ऑफ रोटेशन निकालना है, सबसे पहले कितने एंगल से रोटेट होगा ये। तो आप देखो, अगर आप इसको जॉइन करते हो ये ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके आप जॉइन करते हो तो क्या फिगर बनता है, 1 2 3 4 5 पेंटागन बनता है, ठीक है, पेंटागन बनता है। अब पेंटागन का सम ऑफ द एंगल्स कितने होते हैं, 540 होते हैं, एन माइनस 2 इंटू 180। और यहाँ पे एंगल्स फॉर्मड एट द सेंटर इज हाउ मच, 360 डिग्री, ठीक है। और ये कितने हैं, क्योंकि ये फाइव साइडेड फिगर है, 1 2 3 4 5, तो इसके एंगल्स भी फाइव पार्ट्स में डिवाइड होंगे, ठीक है। तो 360 डिवाइडेड बाय 5 करते हैं तो क्या आ जाता है, 72 डिग्री आता है। एक बार करके देख लेते हैं, 360 डिवाइडेड बाय 5 5 7 35, वन रिमाइंडर, सो ठीक है, इट इज़ 72 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब हमारी जो रोटेशन होगी इस फिगर में 72 डिग्री की होगी, मतलब जब वन यहाँ से यहाँ आएगा तो 72 डिग्री मूव हो जाएगा अपने आप से, राइट। अब देखो ये फर्स्ट पोजिशन, ओरिजिनल पोजिशन है। अब मैंने इसको रोटेट किया, ठीक है, जब मैंने इसको रोटेट किया थ्रू अ पर्टिकुलर एंगल, तो आप क्या देखोगे कि ये फिगर और ये फिगर अलाइक है। आपने मूव कर लिया है इसको, अब आप क्या करो, इसको उठा के रख के देखो, ये देखो ये ओवरलैप कर गया, ठीक। अब उसके बाद वन इधर आया था, वन अब इधर आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह फिर ये वन ऐसे आ गया, फिर घूम के फिर वन आ गया, फिर घूम के फिर आ गया। तो आप देखोगे कि जब हम इसको रोटेट कर रहे हैं थ्रू 72 डिग्री, ठीक है, एंड व्हेन वी प्लेस दिस फिगर अपॉन दिस फिगर एंड दे कोइंसाइड, दे ओवरलैप, ठीक है, तो इसका मतलब हम कहेंगे कि इसमें रोटेशनल सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। स्टार में देर आर फाइव पोजिशंस व्हेन दीज टू फिगर्स ओवरलैप विद ईच अदर, सो दिस स्टार पोसेसेस रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 1, ठीक है। सो विद दिस वी कंप्लीट द ट्राई दिस। इन द नेक्स्ट क्लास आई शैल टेक अप द नेक्स्ट टॉपिक।